डॉक्टर साहब आप आवाज आ रही है ना फराज की? डॉक्टर साहब का स्क्रीन फ्रीज हो चुका है वो शायद। डॉक्टर साहब कुछ बोलिए जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? ओके जी, आ रही है। चलिए, हम लोग नेगा से लाइव हो चुके हैं। खवातीन हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश को फराज दरवेश हाजिर है आपकी खिदमत में, और आज बड़ा ही मुनफरिद पैनल है और बहुत ज्यादा डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं। मैं अकेला डॉक्टर हूँ जो नहीं हूँ डॉक्टर, तो ये मैं हमेशा नर्वस हो जाया करता हूँ, इतने सारे डॉक्टर हैं। और आज जो है एक एडिशनल डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तो शो को स्टार्ट करते हैं। और शो में जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, पेटफ जो है सर पे खड़ा हुआ है, इंटरनल जो है सेक्टेरियन वेव निकली, उसके बाद एक अपोजिशन की वेव चल रही है पाकिस्तान में, तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कुछ दिन पहले अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, बड़ा पॉजिटिव रहा। उसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर उन्होंने कुछ बातें की जिसमें शायद पाकिस्तान में कई लोग जो है उसको नाराज हो सकते हैं, तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, किसी तारीख के मोहताज नहीं, आप ग्लोबल स्टडीज के डीन एंड बर्डी स्कूल एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, डॉक्टर साहिबा जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट डीन तालिबे। फिर उसके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिसबा आजम साहब, मेरा शो में मेरा साथ देंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मैं अकेला वाइट डॉक्टर नहीं हूँ। तो डॉक्टर आदिल नजम, आपसे इब्तिदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तो ये इकोनॉमिक चैलेंजेस जब से ये है कि हुकूमत इतने के 2 साल से ज्यादा हो गए, जब से इकोनॉमिक मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, एक है कि जी वो डेटा दिखाया जाता है और कहा जाता है कि जी ये डेटा जो है अब सही तरफ जा रहा है, और शुरू में बात ये की गई थी कि जी पहले कम टूटेगी, इट विल गेट वर्स, ग्राफ नीचे गिरेगा बिफोर इट गोज अप। तो वो ग्राफ का एक बॉटम आउट होता है हमेशा, कंपनीज में भी होता है कि जी क्या बॉटम आउट हो गया, अब बॉटम आउट हो गया तो लिहाजा ऊपर जाना चाहिए। उसकी वजह ये डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में अगर आप अपने मीडिया के दोस्तों से भी बात करें, आप अपने आम जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करें, और किसी आप मजदूर से बात करें, यानी कि मैंने भी कल एक उबर करीम के ड्राइवर से बात की, डबल जॉब में करता, उबर भी चला रहा है, करीम भी चला रहा है, वो कह रहा है हालत बहुत बुरी है। प्राइवेट सेक्टर में बात करें कि सैलरीज भी लेट है, इंडस्ट्री अक्सर जो साइड पे जो कुछ फैक्ट्रीज हैं 5 दिन काम नहीं, शायद पहले 7 दिन काम होता था, फिर 5 दिन हुआ और अब जो है 3 दिन काम हो रहा है, रोटेट हो रहा है, यानी कि डबल शिफ्ट भी नहीं चल रही, तो उसका मतलब ये कि ऑटोमेटिक इम्पैक्ट है। सर, क्या फंडामेंटल चीजें जो है हम गलत कर रहे हैं अगर आपकी नजर में कुछ है, और क्या सही करनी चाहिए? यार ये अगर मुझे पता होता तो मैं इधर तो ना बैठा होता, लेकिन आपकी देखिए 2-4 चीजें यार। एक तो ग्राफ शाफ्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल की बात है, ये कंटिन्यूस एक हम टर्मोइल में है, इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक अनसर्टेंटी, विच डज नॉट मीन कि सब कुछ बुरा है। मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने इसको सीरियसली देखना है तो पहले तो इससे सियासत बाहर निकालनी पड़ेगी। ये जो कहानी है, ये आप पाकिस्तान के 70 साल का कोई तीन साल उठा रहे, मुझे एक 3 साल बता दें जब ये कहानी नहीं थी। जो अब हम सोचते हैं कि बड़ा जबरदस्त जमाना था, तब भी यही कहानी थी। सो पार्ट ऑफ द कहानी तो जो है वो पॉलिटिकल है। अच्छा, दूसरी पार्ट ऑफ द कहानी जो है वो ज्यादा अहम इसलिए है कि वो एक स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन आर इकोनॉमी है। वो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस क्या है? हमारी वर्कफोर्स की वीकनेस है। आपके पास हाई प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर नहीं है। दैट इज वाई कि वियतनाम में चीज सस्ती बन जाती है, वियतनाम से होके चीन से होके पाकिस्तान आ जाती है और फिर भी सस्ती होती है बनिस्बत आपके बनाने से। उसका ताल्लुक सिर्फ घूमती पॉलिसी से नहीं है, उसका ताल्लुक एजुकेशन से भी है, उसका ताल्लुक पॉलिसी से भी है, उसका ताल्लुक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर से भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको सीरियसली सोचना है तो फिर हम इसे 2-3 साल के फ्रेमवर्क में नहीं सोच सकते, फिर सिर्फ हमें इसको एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क पे सोचना होगा। और स्ट्रक्चरल चीज़ों को चेंज करने का जैसे कंपनी में होता है वही होता है। फिर आप पकड़ते हैं कि यार अगर 1000 चीज़ें गलत हैं तो उसमें कौन सी 2 चीज़ें हैं जिसको ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक पार्ट ऑफ दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की आप सीरियसली बात करेंगे तो दैट विल बी आपका एजुकेशन आ जाएगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग आ जाएगी, उसमें आपकी स्किल्स आ जाएंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पे मैं एक सेकंड में, एक तो ये डोमेस्टिक चीजें, ठीक, दूसरा जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है जो आप अभी की बात कर रहे हैं, वो अगर आप यही बात आप वहां कैलिफोर्निया में बैठे हैं, कैलिफोर्निया में जो उबर और लिफ्ट चलाता है उससे पूछ लें, राइट? आप तो जूम पे बैठ के काम करते हैं ना, आपकी तो वाह है,
ये आईटी वालों ने तो अपना लगाया हुआ है, लेकिन बाकी जो मुल्क है वो तो लगा गया ना, रगड़ा गया इस जूम के चक्कर। आप मुझे अगर यहाँ, मैं अगेन ये नहीं कह, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जी क्योंकि यहाँ खराब है इसलिए वहां भी खराब होना चाहिए। ये एकदम इस किस्म की आर्गुमेंट का मतलब ये होता है, अच्छा जी ये आप तो जो बहाना बना रहे हैं कि वहां भी खराब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुख्तलिफ जगह पे खराब है तो देन लेट अस ट्राई टू फिक्स इट द सेम वे। ठीक, इंटरनेशनल से अगर इसने आपका जो सबसे ज्यादा है, इसकी बहुत सारे मुहरिकात है, मैं सब में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंटरनेशनल से ये है कि आपकी योर प्लेस इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। फॉरेन गवर्नमेंट आपको ट्रस्ट नहीं करती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको ट्रस्ट नहीं करता, और इसलिए नहीं करती कि वो आपका इमेज शिमेज को, आपका नैरेटिव खराब है, आप चार इश्तेहार लगाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दो गाने गाएंगे तो सब मान जाएंगे। आपका खुद अगर आपके पास 1,000 रुपया फालतू हो, आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसको एप्पल में करेंगे या आप उसको जाके पाकिस्तान में करेंगे? सो जब तक, कहने का मकसद ये है, जब तक आप उन स्ट्रक्चरल चीजों को ठीक नहीं करेंगे, हम इस मैवर में घूमते रहेंगे एक वो कोलू के बैल की तरह, कि जो भी गवर्नमेंट होगी, आप मुझे कोई गवर्नमेंट बता दें, आप मुझे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट बता दें, कोई फॉरेन मिलिट्री गवर्नमेंट बता दें, और मुझे कोई एक 3 साल का ऐसा पीरियड बता दें जब नैरेटिव ये ना हो जो अब है। ठीक, सो हम जो है, अनलेस वी, कहने का मकसद ये, अनलेस वी फिक्स द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ये तमाम चीजें जो है सिर्फ बहसबाजी रह जाएगी। ठीक डॉक्टर साहब, मैं इस पे आपकी चीज पे एक ऐड कर देता हूँ। एक तो पहली बात मैं ये ऐड कर दूं कि हर दफा डॉक्टर साहब से एक डांट खानी होती है, और मैं शर्त लगाकर आया हूँ अपने दोस्तों से, कि मेरे दोस्त कहते हैं यार हर दफा तुम जाते हो और एक बेवकूफी का सवाल करते हो और डॉक्टर साहब तुम्हें डांटते हैं। डॉक्टर साहब भी आफरीन है, वो फिर इंटरव्यू भी देते हैं, तुम फिर इंटरव्यू करते भी हो, तो आज मैं शर्त लगाकर आया हूँ कि आज मैंने डांट दिखानी है। आज शर्त लगाई है मैंने, तो इज्जत का सवाल है। ठीक है, तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं ऐड इस तरह से करता हूँ कि सप्लाई चेन में, क्योंकि मैं सुबह शाम के डिस्ट्रप्शन जो हो रही है, मेरी समझ लें कि जिंदगी के 50 घंटे नहीं तो 55-60 घंटे गुजरते हैं। अच्छा, किसी भी कंट्री से या किसी भी फैक्ट्री से कहीं से कहीं पर भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग मूव करना जो है, ये कहना आसान है, आसान काम नहीं है। इसमें आपका ह्यूमन कैपिटल, आप मैक्सिको अमरीका के साथ लगा हुआ है, मैक्सिको वो जगह नहीं ले सका जो चीन ने ले ली। अच्छा, टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं, उनका वो जो सीईओ बने तो वो आए भी मैन्युफैक्चरिंग के ही एसवीपी थे, एप्पल एसवीपी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कुछ सीईओ बने। अच्छा, उन्होंने, उनकी एक स्पीच है वो 2 मिनट की और वो बड़ी वायरल भी हुई थी अब 5-6 साल पहले। उन्होंने कहा था कि जो ये समझते हैं कि चीन जो है, हम चीन में इसलिए हैं कि चीन लो कॉस्ट प्लेयर है, वहां से हमें कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना प्रोडक्ट मिलती है, ये सही नहीं है। और मैं एग्री करता हूँ उनसे, क्योंकि चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, प्रोडक्टिविटी में, ऑटोमेशन में, जो जिस प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट में जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, किसी मुल्क ने, दुनिया के किसी मुल्क ने इन्वेस्ट नहीं किया, यानी कि अमरीका भी उसके करीब नहीं आता। अमरीका, सिंगापुर में कहते थे हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो हमें चीन से बड़ी चीजें लेने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। उसमें हम ये कर सकते थे कि हमने इस मैन्युफैक्चरिंग में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोडक्टिविटी में, एजुकेशन, इसमें एक ह्यूमन एक्सपर्टीज डेवलप करते, तो वो हमने नहीं की, लेकिन उसकी बड़ी शदीद जरूरत है। मेरा जो सवाल अब यहाँ पर आ जाता है कि हमारी जो प्रोडक्शन होती थी, यानी कि टेक्सटाइल की प्रोडक्शन थी, हम ये मुख्तलिफ चीजें बनाते थे, तो ये जो चीजें, इसकी प्रोडक्शन भी स्लो हुई है ना, कि ये तो चीज बनी बनाई हमारे पास थी, हमारे पास तो जो खोता डॉक्टर साहब वो भी हमने खो दिया, वो भी बांग्लादेश की है। हमारे अपने पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने जाके श्रीलंका में, बांग्लादेश में फैक्ट्रीज लगाई हैं, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट बेहतर किया गया। तो ये चीज तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब जाता हुआ जो कैपिटल उसको रोक सकते हैं। मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ, कि देखिए, एक रैशन आप और मैं, खल में बिल्कुल एक बात कह रहे हैं। आप जिस तरह सप्लाई चेन की जिक्र कर रहे हैं, तो कोई वजह है ना कि जब आपके कंपनी जो है वो कहती है मैंने ये पुर्जा लेना है, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि उनको पाकिस्तान से कोई बैर है, इसलिए नहीं आती कि हम मुसलमान हैं या हम, भारत हमारे खिलाफ है, ये सारी ढकोसलेबाजी हैं। वो इसलिए नहीं आती कि कंपनी एक इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है कि मुझे बेहतरीन पुर्जा, बेस्ट क्वालिटी में, बेहतरीन प्राइस पे, रिलायबल कब मिल, कहाँ से मिल जाए, राइट? एंड दैट इज वाई मैंने प्राइस की बात नहीं की, मैंने प्रोडक्टिविटी की बात की, राइट? कि आपका जो एक प्रोड्यूसर है, क्या वो ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी आगे मांग है? और उसमें मांग का मतलब ये नहीं कि हम सेब उगा रहे हैं, किन्नू उगा रहे हैं,
लेकिन एक एक उसमें क्वालिटी की बात है, उसमें रिलायबिलिटी की बात है, क्वालिटी और वर्कमैनशिप की बात है, स्किल की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पॉलिसी इन्वायरमेंट की बात है। देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है, एक एक इंडेक्स आती है कि मुल्कों को रेट करती है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना वायबल है। आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कल आपका मेरा अगर झगड़ा हो गया तो हमें कितनी जल्दी और कितनी रिलायबली उसका फैसला मिल जाए। 127 मेरे ख्याल में उसमें मुल्क है, 120 पे पाकिस्तान, राइट। तो अब अगर कोई बाहर से आएगा तो वो यही सोचेगा ना कि यार मैं इधर क्यों जाऊं, मैं वो 18वें मुल्क पे जाता हूं ताकि अगर कभी हुआ तो मेरी फैक्ट्री ना बंद हो जाए। बट कहने का सारा मकसद ये है कि आई बिलीव यू आर एग्जैक्टली राइट, मेरा भी पॉइंट यही है कि वी नीड स्ट्रक्चरल, वी हैव ऑलवेज नीडेड स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आपकी तरफ आता हूँ, और एक तो इस पे आप जो हमने जो गुफ्तगू की इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। दूसरा एक सिलसिला हमारा ये होता है कि हम हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो आपकी दाखिला पॉलिसी और आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन पॉलिसी। हमारे साथ एक मसला रहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जब इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं, और हमारा बड़ा डॉक्टर साहब से, दोनों डॉक्टर साहबान से डिस्कशन में होता रहा है कि जी हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपकी डिपेंडेंसी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आपके सर पे फैट अप भी चला आ रहा है, आपकी इकोनॉमी भी कमजोर है, आपके जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं बिटवीन चाइना अमेरिका हो या ईरान सऊदी हो, इस पे भी आपने बैलेंस करना है, तो ये बड़ा एक मुश्किल जंक्चर पे हम खड़े हुए हैं। अब से नहीं, कुछ मैं एक से डेढ़ साल से खड़े हुए हैं, उसमें मेरी कुछ क्लैरिटी लेकर आई है कि किन किन क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, जो कि कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कि भाई क्या क्या लो हैंगिंग फ्रूट है जो कि हम इकदाम दे सकते हैं। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक तो मैं जस्ट मेक वांट टू मेक अ क्विक कमेंट ऑन आदिल नजम साहब ने फरमाया। देखिए बिल्कुल बजा बात है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कंटिन्यूटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसके हसूल के लिए हर हकूमत जो है वो फायर ब्रिगेड की तरह काम करती है, क्विक फिक्सेस का काम करती है। इस हकूमत ने स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की कोशिश की, उसकी वजह से जाहिर है यूटिलिटीज के भी पैसे बढ़े, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, और इस वक्त जो जहां पर इस वक्त हिट कर रही है ऑपोजिशन, इनको इस बुरी तरह की हकूमत की है वो महंगाई है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो पाकिस्तान में लाने की जरूरत है वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो इनको करने की कोशिश करता है वो फिर बहुत पॉलिटिकल थिन आइस पे ट्रेड कर रहा होता है, जो एग्जैक्टली इस वक्त इमरान खान साहब के लिए साथ हुआ है। एफएटीएफ के लिए भी जो हमने रिफॉर्म्स कर ली और मॉनेटरी रिफॉर्म्स आ गई, वो इसलिए कि उसकी तलवार इतनी सख्त थी कि वहां पर भी जो सियासी जमातें हैं उनकी बड़ी बिहाइंड द डोर आर्म ट्विस्टिंग हुई है, और उस आर्म ट्विस्टिंग के नतीजे में वो बिल पास हुआ है, क्योंकि जी वो अब वो कह रहे हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि हम 13 अगस्त को ग्रे से निकल जाएंगे। ये भी मैं समझती हूँ किसी हद तक मुनासिब नहीं है, जब तक निकल ना जाए उस वक्त तक इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। जो आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, ये हमारे साथ पहले भी आपको याद है आदिल, इस किस्म की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो मुझे लगता है जब निकल जाए तभी ऐलान करना चाहिए कि हम निकल गए। दूसरी गुजारिश मैं आपसे ये करूँ, जो आप फॉरेन पॉलिसी और हमारी मईशत को जोड़ देते हैं ना, मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान का कॉन्स्ट्रक्ट ज़रा सा मुख्तलिफ है। अपनी माशी मुश्किलात के बावजूद फॉरेन पॉलिसी डिसीशंस की वजह से पाकिस्तान को माशी बेल आउट्स मिलते हैं हमेशा से, और पाकिस्तान को तकरीबन उस सिल्वर पिन की आदत हो गई है, चाहे अफगान जिहाद हो, चाहे 9/11 हो, चाहे अभी पाकिस्तान का BRI में फ्रंट लाइन स्टेट हो, या इस वक्त पाकिस्तान का किरदार हो अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में। आपने बात शुरू की थी तो आपने कहा था अब्दुल्ला साहब ने जो बात कही, साथ ये बात शेयर करूं कि एक लफ्ज उसके हवाले से पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं आया, नॉट वन वर्ड। कि अब मैं उस पर एक पर्चा लिख रही थी तो मैंने ढूंढा कि भाई वो जब इंडिया गए हिंदुस्तान टाइम्स में क्या रिपोर्ट हुआ, उन्होंने वहां जाने से पहले क्या कहा, इंडिया का कलीदी किरदार है वगैरह वगैरह। इस वक्त क्या बात पाकिस्तान में हो रही है कि जो सेक्टेरियन वायलेंस हुआ है, जो एक आलिम है उनका कत्ल हुआ है, और जो और मसाइल हो रहे हैं उसके पीछे इंडिया है।
तो देखिए पाकिस्तान ये बहुत ग्रास हॉपिंग करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ और अपने इकोनॉमिक बेलआउट्स को कंसोलिडेट करता है। तो जो उसकी कन्वर्जेंस हो रही है इस वक्त वॉशिंगटन के साथ अफगानिस्तान के बेलआउट के लिए, वो उसको कंसोलिडेट कर रहा है और वहां उसको माशी रिलीफ मिलेगा। तो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस तरह से डॉफटेल नहीं करती जिस तरह से हम यूजली कहते हैं। अफगानिस्तान में सब और जिस तरह वार्म वेलकम और सारी चीजें जो हुई है, तो इस पे डॉक्टर साहब ने जो बताया कि पाकिस्तान में मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, क्या वजह, हमने क्यों नहीं कवर किया, करना चाहिए। तो अगर हमें क्रिटिसाइज भी करना है डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला को, हम पहले भी क्रिटिसाइज करते रहे, अगर हमें उनका देखिए फराज, जो मेरी अपनी असेसमेंट है और हमारे साथ बहुत एक्सपर्ट्स यहाँ हैं, मुशर्रफ जैदी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है अब, तो ऑफकोर्स वो शायद मुझसे डिसएग्री भी करें और मैं चाहूँगा कि वो अपना व्यू ज़रूर दें, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि जिस तरह से हाइप्स ये क्रिएट कर किया करवाई जा रही थी मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब ने वज़ीर ख़ारजा साहब के साथ कोनी शेक हैंड किया और एक तरह से चीज़ें बड़ी अच्छी हुई, उन्होंने स्वीट वर्ड्स कहे, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ ये है कि उसको अगर ज़्यादा मीडिया ने कवरेज नहीं दी, ये इसलिए नहीं दी कि भाई सडनली हर चीज़ वापस बैक टू नॉर्मल पे चली जा रही थी, तो ऑफ कोर्स एक अच्छा वो क्रिएट करने के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ये मुझे तो ये लगता है, इससे ज़्यादा तो मुझे कोई रीज़न नहीं लगता। लेकिन ये भी हो सकता है ना, देखें मेरा ख्याल है फराज, देखिए पाकिस्तान में इसलिए कोई नेगेटिविटी इस वक्त रिपोर्ट नहीं हुई कि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त अफगान पीस प्रोसेस में उसकी रेलिवेंस भी रहे, तारीफ भी की जा रही है, वो तारीफ पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, वो पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक कंसेशंस चाहिए बशमूल FATF में, वो भी वहाँ पे भी सियासत है, आप इस बात को मानेंगे, वहाँ पाकिस्तान इस बात को हाइप नहीं दे सकता कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला का झुकाव इंडिया की तरफ है और वो इसको एक बाइनरी या जीरो सम गेम बनाना हमारी फेवर में नहीं जाता, और अच्छा हुआ हमने उसको इस तरह से, तो ये तो दानिश मंदी का फैसला है, ठीक है, फिर तो मैं इसको बिल्कुल वाइज स्ट्रेटजी देखती हूँ कि यहाँ पे कोई आप समझिए एक एडिटोरियल नहीं आया, कोई एक लाइन मीडिया में मैंने नहीं देखी कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने वहां जाके कहा है कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो कि उन्होंने कहा, लेकिन नॉट अ वर्ड, एंड आई थिंक दिस वाज बाय डिजाइन। और फिर ये भी मिथ मेरे और आपके सामने खुलती है कि कितनी आजादी है मीडिया को और किन इशूज पे बात होती है और किन इशूज पे बात नहीं हो सकती। मैं जरा एक कमेंट करना चाहूंगा पिछले पॉइंट के ऊपर, अगर आप इजाजत दें। देखिए जो ये इकोनॉमी का जो मसला है, दैट इज ट्रू कि भाई पाकिस्तान नीड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, लेकिन सियासत से हट के मैं बात कर रहा हूँ, सियासत से हट के मैं देखूं इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सीरियस स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया। और आप अगर सुने इकोनॉमिक जो के एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुने तो आपको यही लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी में करने की कोशिश की गई, सपोज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सिर्फ रिलेट किया गया करंट अकाउंट डेफिसिट से, उसे कम करने के लिए पूरी एनर्जी लगा दी गई, आपकी सारी जो इंपोर्ट्स थी उसको रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन क्या उसका असर हुआ, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बैठ गई, ठीक है वो सरप्लस में आ गया, लेकिन आपके क्या उससे जो रिजर्व थे वो बेहिसाब बढ़े, वो तो बढ़े नहीं ज्यादा उसके, और जो आपका जो फाइनेंशियल डेफिसिट था उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, आपका फिस्कल डेफिसिट अभी भी ओवर 8% पर है, तो और वर्ल्ड बैंक कह रहा है अगले साल भी रहेगा, तो मतलब ये चीजें जो है मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है। मैं आदिल नजम साहब की बात से एग्री करूंगा कि मतलब हम लोग को चीजों को ठीक करना
करना चाहिए सियासत से हट के, और पहले दो तीन साल में ट्रबल्स होती हैं, लेकिन कोई प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट के पास के भाई पब्लिक को दिखना चाहिए कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग, एंड वो मुझे एटलीस्ट दिख नहीं रहा। अच्छा, ये तो आपने कहा कि जी मैं सियासत से हटके बात करूंगा, लेकिन मुझे इसमें सियासत मतलब सियासत ही नजर आई, जो मुझे दिख रही है आप मतलब इसमें सियासत अगर आप ले आए तो ले आए, ऐसे ही हो रहा है, इसी तरह हो रहा है इस वक्त। अगर आपके पास है तो मुझे बता दें। लेकिन मुशर्रफ जैदी साहब और डॉक्टर आदिल दोनों मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ किसी तरफ पहले जाऊँ, तो मैं मुशर्रफ जैदी साहब की तरफ चला जाता हूँ पहले। अच्छा डॉक्टर आदिल आपकी तरफ। सर ये मैं मुशर्रफ को देख के मुस्कुरा रहा हूं। नहीं सर, मैं मुशर्रफ साहब म्यूटेड हैं सरकार। चलें डॉक्टर आदिल नजम आपकी तरफ, आप जवाब देना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मैं मुशर्रफ की सुनना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली आई रियली डू वांट टू हियर मुशर्रफ साहब। पर ये लखनवी तकल्लुफ मेरा मेरा ननिहाल लखनऊ से, तो मैं अब आप क्या कहूँ। पहले आप लखनऊ के लग रहे हैं, पहले आप आइए मुशर्रफ जी। थैंक यू फराज, कैसे मैं किस मौजू पे आप चाहते हैं कि मैं दिल की गहराइयों से अपने शिकायत रखी है उसका जवाब दे दिए। ऊपर से हमकी बात ये जो हो रही थी कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला आए इधर गए फिर वहां से वापस आए, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर हुमा बकाई साहब ने कहा कि जी ये हमने बाय डिजाइन जो है मीडिया में शो नहीं मचाया, क्योंकि हम चाहते हैं वन पीस प्रोसेस में हमें वाह मिल रही है वो मिलती रहे और हम उस पर पॉजिटिव रोल प्ले करें। तो मेरे ख्याल से ये तो दानिशमंदाना फैसला था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा मसला हो जिसको डिरेल हो। लेकिन जो असली जो मिसबा भाई जो बात की अपने, एक जो हम उससे पहले जो इकोनॉमिक हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिकली हम सफर कर रहे हैं और ये चले जा रहे हैं, तो मिसबा भाई ने बताया कि आपकी जो पॉलिसीज वही नहीं, कोई क्लियर कट पॉलिसीज पे किस हद तक नहीं है आप। बहुत शुक्रिया फराज, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो डॉक्टर बकाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी हिकमत अमली थी कि जिस जोश खरोश से और नरम दिली से उनको वेलकम किया गया पाकिस्तान में, और बावजूद उनका फौरन उसके बाद हिंदुस्तान जाना, जबकि हमें पता है कि हिंदुस्तान इस वक्त मसलन जो अभी जो असासिनेशन हुई है कल परसों वाली, या जो दीगर मुख्तलिफ किस्म के बयानिए जो हैं जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से नफरत दिलाना है, इन सब के पीछे घिनौनी साजिशें हैं, और उन साजिशों में हमेशा से ही और ख़ास तौर पे आजकल हिंदुस्तान का जो किरदार है वो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली आने वाले सालों में मुझे नहीं नज़र आता कि वो ख़त्म होगा बल्कि बढ़ेगा ही। तो ये बड़ा अच्छा है कि कुछ उमूर ऐसे हों जिन पर मुत्तफ़िका राय अगर ना भी हो तो उस राय का इजहार ना किया जाए, और जो मजमूई इंटरेस्ट हैं रीजन के और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, उनकी जो है उनकी खैरख्वाही और उनकी बेहतर जो है अंदाज से फुलफिलमेंट जो है वो हो सके। तो ये तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला का विज़िट हो गया, बड़ा अच्छा विज़िट था। वो खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं और ये पाकिस्तान का बड़ापन है कि उनके साथ मिलके और जो नया अफगानिस्तान बनने जा रहा है उसमें जो है पेशरफ्त पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, इस सब से हट के कि पाकिस्तान की क्या गलतियां थीं पिछले 40 साल में या अब्दुल्ला अब्दुल्ला की क्या गलतियां थीं, वो तज्जिया हम सब कर चुके हैं और करते रहेंगे, लेकिन आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट ट्रिप। बाकी जो मिसबा भाई ने शिकायत का इजहार किया वो बिल्कुल बजा हैं, लेकिन इसलिए शायद नहीं कि यह हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि इस हुकूमत का जो मंशूर है और जो इसका जो सियासी जमात जो लीडरशिप पोजीशन में है उसका जो मेरे ख्याल रोज़ाना का जो बयानिया है वो तो बहुत वाज़ है, वो करप्शन का खात्मा करके पाकिस्तान को एक मुत्तहिद और ताकतवर फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। जो इनके ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स हैं उनसे मैं सब समझता हूँ सब मुत्तफिक होंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर आजम, डॉक्टर बकाई, डॉक्टर नजम एंड योरसेल्फ। तो मेरा ख्याल है कि जो आर्ग्यूमेंट या जो डिबेट है वो ये नहीं है कि ये हुकूमत क्या करना चाहती है, मैं समझता हूँ सब यही चाहेंगे जो ये हुकूमत करना चाहती है, लेकिन इस चाहत के अलावा इस हुकूमत के पास क्या कोई मुस्बत और ठोस इकदाम हैं जो उसने लिए हैं उस सिमत में, और क्या ये बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि क्या ये मुमकिन भी है कि महज करप्शन से एक
ट्विटर पर और टेलीविजन पर एक जंग लड़ के चंद लोगों को जो है निशाना बना के शायद उसमें कुछ वाकई करप्ट हो शायद कुछ ना हो, इस तरह से ममालिक जो हैं उनकी तकदीरें बदली जा सकती हैं, ये मफरूजा दुरुस्त है नहीं है। और अगर ये दुरुस्त है तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की एटमी हथियार की जो शरह उसमें इजाफतन कन्वेंशनल वेपन्स और ग्लोबल प्रेस्टीज ताकि फैटफ जैसी गड़बड़ जो है वो कोई ना कर सके, पाकिस्तान का दुश्मन जो एक सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव किस्म का प्रोसेस है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर जाहिर बात है फिर शायद कुछ पेटी पॉलिटिक्स जो है वो इसके पीछे है, शायद वजीर आजम खुद जो है उनकी जो समझ है गवर्नेंस की वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट मांगती है, शायद जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सिवाय अपनी कुर्सी रोने के कोई ठोस जो है, मतलब ये तो ठीक है कि ये बहुत खराब है, ये भी मान लेते हैं कि सिलेक्टेड हैं, ये भी मान लेते हैं कि सब कुछ गलत कर रहे हैं, ऑपोजिशन का क्या मौकफ है, ऑपोजिशन किस तरह की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल जो है सोच रखती है और वो क्या इतना मुख्तलिफ करेंगे जो अभी हो रहा है। और ये सोच लीजिए कि ऑपोजिशन के कई पुराने वज़रा जो हैं वो इसका बिना के दिस इज नॉट अस्यूम्ड पोजीशन, सो आई थिंक लॉट्स टू अनपैक एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन। ठीक है डॉक्टर आदिल नजम जी, अच्छा शुक्रिया यार आपने मुझे, दो मुख्तलिफ और बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है मेरे ख्याल में हुमा इज़ एग्जैक्टली राइट ऑन बोथ अफगानिस्तान, लेकिन एक और उन्होंने बात की जो हमें नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि वो गुजर गई, लेकिन आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेड टुडे। पाकिस्तान में इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी का रिलेशनशिप वो नहीं है जो अमूमन दूसरी जगह होता है। आप अपनी इकॉनमी के मसाइल फॉरेन पॉलिसी पर नहीं थोप सकते, बल्कि उल्टा अगर कुछ है तो फॉरेन पॉलिसी को हम यूज करते रहे हैं इकॉनमी को प्रॉप अप करने के लिए, उसकी वजह से भी वीकनेस आई हो तो आई। आई थिंक दैट पॉइंट इज अ वेरी ब्रिलियंट वन। हम कई बार हर मसले का हल जो है वो किसी और मसले में ढूंढ लेते हैं, तो फॉरेन इकॉनमी के मसाइल को आप ब्लेम नहीं कर सकते ऑन दैट, एक्सेप्ट ऑन डिपेंडेंस इश्यूज कि उससे एक शायद डिपेंडेंस आ चुकी हो, उसको मैं साइड पर रखता हूँ। दूसरी अफगानिस्तान पर दोनों मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे एक उस्ताद थे खालिद हसन साहब, जर्नलिस्ट थे, आप अगर डांटों की बात करते हैं तो वो हर एक को डांटते थे, जितनी डांटे मैंने उनसे खाई हैं किसी और हर एक नहीं खाई, लेकिन उनकी बड़ा मशहूर उनकी एक बात थी कि आज की शह सुर्खी को ज़्यादा सीरियसली मत लो क्योंकि आज जो फ्रंट पेज है अखबार का शाम को उसमें मछली पैक होके बिकेगी। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला साहब आए गए यहाँ कहा वहाँ कहा, ये उसी नौीयत की बात है, हो गई यार मुल्क आते हैं। अब्दुल्ला और पाकिस्तान की एक 25 साल की हिस्ट्री है, उसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, मुशर्रफ मुझसे बेहतर जानते हैं। आई थिंक इट वॉज अ गुड विजिट, उन्होंने कोई ऐसी बात भारत में मेरे ख्याल में नहीं की जिससे आपको हैरत होनी चाहिए या जो उन्होंने पहले नहीं की हो, सिर्फ उसको हैरत होनी चाहिए जिसने पहले सुनी ना हो या चाहा हो कि समहाउ एक विजिट से चीज़ें चेंज होती हैं, उसको मैं साइड पर रखता हूँ। एक मैं बात आना चाह रहा हूँ सीरियस वाली, मिसबाह साहब वाली, ही इज़ राइट बट ही इज़ ऑल्सो रॉन्ग, जस्ट लाइक आई एम ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन मिसबाह साहब मसला ये है, हम पाकिस्तान में उस सियासत की नहज पे हैं कि अगर मैं कोई बात कह दूं जिसमें किसी पुरानी गवर्नमेंट की कोई भी अच्छाई हो तो मैं जो हूं ज्याला बन जाऊंगा और मुझ पे मोर लग जाएगी कि यार ये तो एनटीपीआई पीटीआई है, वो सारे शुरू हो जाए। और अगर मैं खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी बात कह दूं जिसमें पीटीआई की कोई बेहतरी हो, उन्होंने आज सांस लिया, तो मैं जो हूं दूसरी तरफ से गद्दार लग जाऊंगा। ये हमारी पॉलिटिकल डिवीजन का एक प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे इजाजत दें 10 मिनट के लिए कि इस वाले मसले को आप किसी तरह अलग कर दें, तो हियर इज द एम्पिरिकल फैक्ट। द एम्पिरिकल फैक्ट्स आर टू आई वांट टू मेक। वन इज चीजों उनकी इस गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं, दे हैव बीन हैपहैज़र्ड, दे हैव बीन अनसक्सेसफुल, दे हैव बीन नीजर्क, ये सारी बातें सही, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल में तो प्रॉब्लम ही ये है कि जरूर से ज्यादा कोशिश की, हर सुबह जो है एक नई कोशिश हो जाती है। जो बंदा राह चलता हुआ कोई आइडिया देता है वो कहते हैं ये अच्छा ये चला लो, इसीलिए जो है वो कभी एक स्टेट गवर्नर आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी आप FBR का एक लगा देते हैं। इन अ वे आई थिंक द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन कि दे हैवंट ट्राइड, द प्रॉब्लम इज कि दे हैव ट्राइड विदाउट स्ट्रेटजी
एंड इतनी ज्यादा चीजें कोशिश की हैं कि एक चीज को टाइम ही नहीं मिला कि आप जब कोई चीज कोशिश करते हैं तो सिस्टम हिलता है तो लोग चीखते हैं तो उसकी ऑपोजिशन आती है तो फिर तगड़ी गवर्नमेंट को खड़ा होना होता है। जब आप नहीं खड़ा होते और आप उसको चेंज कर लेते हैं, कल एक नया मूड आ जाता है। सो इन अ वे आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स वी कैन चार्ज देम विद लैक ऑफ ट्राइंग इज नॉट वन, इन फैक्ट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं, लैक ऑफ ट्राइंग तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ही ये है कि आपको कल जो आती है फॉरेन पॉलिसी फॉरेन एक्सचेंज की खबर, वो आज सुबह तक फिर चेंज हो जाती है। बट द रियल पॉइंट इज आई वॉन्ट टू कम बैक, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग टाइम, आई विल बी वेरी शॉर्ट। लेट अस टेक अ पीरियड, हम वापस चले जाते हैं 2005 या 2001 कर लें, ठीक है। 2001 में मुशर्रफ साहब सदर बने, 7 साल वो सदर रहे, उससे पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उसके बाद एक गवर्नमेंट आई पीपीपी की, जिसने अपना टर्म पूरा किया। उसके बाद एक पीएमएल की आई, जिसने अपना टर्म पूरा किया। उसके बाद एक पीटीआई की आई, जो लगता है अपना टर्म पूरा करेगा। सो आई रियली वॉन्ट टू क्वेश्चन दिस आर्ग्यूमेंट के स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी हमें नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोसेस नहीं तो आगे। आई थिंक हम एज सिटीजन, आप देखना, आपने कहा गवर्नमेंट, मुशर्रफ ने कहा ऑपोजिशन, बट देयर इज अ थर्ड प्लेयर, राइट? द थर्ड प्लेयर इज द सिटीजन, एंड उसमें भी तो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए ना। तो मुझे अगर मुझे सीरियसली कोई बता दे कि इन चार दौरों में फर्क क्या था, जरा मुझे कोई जरा प्लीज समझा दे कि मुशर्रफ, पीपीपी, पीएमएल, पीटीआई, या तो मुझे आप आइडियोलॉजी फर्क बता देंगे, ये लेफ्ट थी, ये राइट थी, ना खबर ना सजा, किसी का भी नहीं है चारों में से, या मुझे आप बता देंगे जी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह फर्क थी, या मुझे जरा समझा देंगे इनकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह फर्क थी, वो आज की ताजा खबर निकाल के, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज एक्चुअली इनकंसिस्टेंट, देयर इज कंसिस्टेंसी इन, वी आर कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। बल्कि मोर ऑर लेस डॉक्टर साहब एडवाइजर्स भी तकरीबन सेम ही रहे, More or less. लोग भी वही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यार, वो आइडिया भी। मैं आपको अगर सॉरी मैं टाइम दे रहा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल, तो पीआईए मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक, हर पाकिस्तानी को पता है कि पीआईए के साथ क्या करना। मैंने अभी चार दौर बताए हैं, चारों ने कोशिश की। मुशर्रफ साहब ने की थी, चीखें लगेंगे जी रूजवेल्ट बिक रहा है, करप्शन होगी। जरदारी साहब ने की थी, आपके जो थे वो चले गए थे स्ट्राइक पे पायलट, हाय 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 कितना बुरा हो गया, राइट? उसके बाद आप और मैं ट्वीटें करेंगे ये पायलट ऐसा चलाता है वैसा चलाता है। पीएमएल ने की थी, वही चीखें लगी, इन्होंने की थी वही चीखें लगी। तो कहने का मकसद ये है कि मे बी ऑल ऑफ द एफर्ट्स वर रॉन्ग, लेकिन वो चीख लगाने वाले भी तो ये सोचें कि यार अगर स्ट्रक्चरल चेंज है, जब चेंज होगी तो दर्द होगा, जब दर्द होगा तो समहाउ Somewhere you will have to have the space के यार मैं बावजूद इसके कि टीका लगेगा तो मुझे चोट आएगी। I have to live with the change। ये तो बड़ी कोर डॉक्टर मिसबाह साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये आपके पीएम की एक डिस्कशन थी, उस पर उन्होंने इसी तरह की डॉक्टर साहब डॉक्टर आदिल ने बात की कि फंडामेंटल जो हैं मसाइल हैं वो हमें पता है लेकिन उनके पीछे कौन जाएगा। तो जो आपने जो बात की तो डॉक्टर आदिल ने मुझे जवाब दिया, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद हिम कि भाई जब मसाइल की तरफ जाते हैं तो फिर वही पीआईए की मिसाल है, फिर प्रोटेस्ट भी होगी और मीडिया हाइप भी बनेगी और मजलूम भी होंगे लोग, ज्यादती भी हो रही है। देखिए सबसे पहले तो एज अ लाइटर नोट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शायद हम लोग यहाँ पर इस फोरम पे बैठकर बात ना कर सकें। सो डॉक्टर साहब आपके साथ मेरा एक फोन पे डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, आई एम नॉट गोना से इट, ओके? अनफॉर्चुनेटली वो एलिफेंट इन द रूम तो रहेगा ना, नहीं हो रहा है एलिफेंट कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा अगर आप माइंड ना करें मैं इसका बुरा मनाते हुए कहूंगा कि अगर हम नया दौर के प्लेटफॉर्म पे भी वो बातें ना कर सके जो औरों पे नहीं कर सके, पहले हमें हर बात करनी चाहिए।
मैं तो नया दौर के प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आता हूँ कि हम बात कर सके। नहीं, मैं जरूर वो बात करना चाहूंगा किसी भी टाइम, लेकिन ये है कि उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं रजा साहब से थोड़ी परमिशन ले लूं इस चीज की ताकि कोई ट्रबल ना हो किसी को भी। लेकिन Let us. क्या बात हो सकती है? आप फौज की बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा एक नहीं देखिए चले नहीं डॉक्टर साहब, मेरा जो पॉइंट ये है ना, आपने फरमाया कि गवर्नमेंट चार आई और चारों ने अपना टाइम पूरा किया, और आई एग्री विद यू, टाइम उन्होंने पूरा ज़रूर किया, लेकिन जिस तरह से जो ये डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर है ना, ये हमेशा से रहा। आप देख लीजिए जरदारी साहब की हुकूमत में क्या होता रहा, ये मुशर्रफ साहब तो ऑल इन ऑल थे ना, वो तो कंट्रोल में थे हर चीज़ के, तो उनको तो कोई इतनी ट्रबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी अपने आखिरी टाइम में देखा डिस्टेबलाइजेशन। फिर जरदारी साहब आए, कॉन्स्टेंटली इंटरवेंशन, कभी मिलिट्री का कभी, फिर नवाज शरीफ साहब आए, आप देखिए एक साल के बाद से वो शुरू हो गया, वहां पे धरने शुरू हो गए। ऐसी सिचुएशन में चीजें कैसे चल सकती हैं? फिर उसके बाद खान साहब आए, आते के साथ ही ये चीज शुरू हो गई कि ये सेलेक्टेड हैं इलेक्टेड नहीं है। तो मतलब अब ये जो चीज है ना, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि एक गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरा करे। अब देखिए शौकत अजीज साहब ने भी तो 5 साल पूरे किए, लेकिन वो उनके पास क्या पावर थी? कुछ नहीं था, वो तो मिलिट्री चला रही थी और वही चीजें जो है बाद में होती जा रही थी। तो एक तरह से ये जो चीज है ये एक ये डैमेजिंग फैक्टर भी है पाकिस्तान में, जिससे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। मैंने मान लिया, हुमा वापस आ गई है, हुमा को फोरम देना चाहिए, लेकिन एक मुझे इजाजत दीजिए। मैंने बिल्कुल मान लिया वो आई। देखिए पहली बात ये, मिलिट्री गवर्नमेंट ओवर सिविलियन गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट ऑलवेज बेटर, मुझे कोई इनमें से गवर्नमेंट दे दे बनिस्बत फौजी गवर्नमेंट, कोई भी दे दे किसी वक्त, राइट? बड़ी सिंपल सी, इसमें कोई डरने शरने वाली बात नहीं है। आई थिंक ये सीधी सी बात है, हर एक को पता। जहां तक आपकी बात है, आई थिंक इसमें थोड़ी सी बहानाबाजी भी है। PIA वाली जो मैंने एग्जांपल दी, उसमें इंटरवेंशन की बात नहीं। मैंने मानता हूँ वो सारी इंटरवेंशन बहुत बुरी बात है, वो तो हर एक मानता है ना, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसको हम अब सिर्फ उसको बना के बेसिस हर चीज को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये को तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और यहां तक मुशर्रफ साहब वाली बात भी है, खुदा ना खासा उनको मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऑल इन ऑल नहीं हुआ करती, कहीं नहीं हुआ करती, और वो भी नहीं थे, वो तो बिल्कुल भी नहीं थे बेचारे। उनको क्योंकि अपना कुर्सी संभालनी थी, उसके लिए ही हैड टू मेक लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल मैनूवर्स। मेरा अपना हमेशा से ख्याल ये कि कुछ कसूर तो हमारा भी है, मिनहसल कौम। अच्छा डॉक्टर, मैं डॉक्टर हुमा बाकी की तरफ जाऊंगा, लेकिन आप लाइव शो हो रहा है, कुछ लोगों के सवाल है, डॉक्टर आदिल जब आपके सवाल है, एक तो पहला किसी ने कमेंट किया जी बोल के लफ आजाद है तेरे, मेरा अर्लियर जो कॉन्वर्सेशन थी उसका जवाब नहीं आया था। अच्छा फिर नईम अहमद साहब, डॉक्टर आदिल ने डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपके जो सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की उनसे हम एग्री करते हैं, लेकिन जो 5 साल का टेन्योर है, कोई भी हुकूमत उस 5 साल के टेन्योर में वो कैसे? यार देखिए नहीं कर सकती ना, यही तो दैट इज वेयर नेशनल पर्पस कम्स इन। कोई जब कम से कम नहीं कर सकती, लेकिन हमारी इतनी फ्रैक्चर्ड है कि जब आप बिलीव ये कर लें कि हुकूमत का काम ये है कि अपोजिशन को थले लाओ, राइट? और हुकूमत का काम ये है कि अपोजिशन को जो है ना सब्ड्यू करो और मुल्क को नाबूद कर दो ताकि वो आइंदा ना, और अपोजिशन हर ये समझिए कि मेरा काम ये है पहले दिन से कि अपोजिशन को गवर्नमेंट को गिरा दो, राइट? ये हमने पिछली तीनों गवर्नमेंट्स में देखा। सो द पर्पज ऑफ स्टेटहुड एंड द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकता। इवन जहां दुनिया में बहुत डिवाइडेड सियासतें हैं, वहां भी जब बड़े फैसले होते हैं तो इट गोज थ्रू दैट पॉलिटिकल। आजकल तो ये है कि आपकी जंग ऐसी है कि किसी चीज के आप कॉमन पोजिशन लाने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आपने मिसबा आजम साहब ने, डॉक्टर मिसबा आजम ने अपनी फसल एक गुफ्तगू भी की, उसमें नाराजगी भी थी, उसमें शिकायत भी थी, तो उसको एक उसका अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने
جو ایک بات کی تھی کہ جی اس حکومت کا جو مطلب پیپر سامنے نظر بھی آتا ہے کہ کرپشن از دی پرائیورٹی نمبر ون, جو اور جو اکنامک پالیسی وہ اتنی کلیئر نہیں, لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ انہوں نے کرپٹ لیڈرس اور کرپشن کو کا خاتمہ کرنا ہے, اس کے پیچھے جانا ہے. بہرحال یہ بات صحیح ہے, مطلب اس کو پالیسی وہ صاف نظر آتی ہے کہ کرپشن کے پیچھے جانا ہے, لیکن اس میں اگلا آرگومنٹ بنتا ہے کیا کہ صرف کرپشن ہی ایک ایشو ہے, اور کیا جو بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں سے چین بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, جن کی اکنامک گروتھ ہوئی ہے, ان کیا کرپشن تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, کرپشن کا خاتمہ تو وہاں بھی نہیں ہوا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ جو کرپشن کا شور ہے نا, یہ جتنا ٹوتھلس اس کو پی ٹی آئی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. آپ دو سال سے کرپشن کا رونا رو رہے ہیں, آپ ایک بھی کوئی ورڈکٹ نہیں لا سکے. آپ لوگوں کو جیل میں رکھتے ہیں پھر آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس سے زیادہ تو کمزور بیانیہ کسی نے اپنا کیا ہی نہیں جتنا انہوں نے کیا. پھر دیکھیے میں بہت معذرت کے ساتھ گزارش کروں گی, you surrounded by yourself with clowns, you're bound to see a circus, and that is exactly what is happening. اگر آپ کی پوری جماعت جو ہے اس کا فوکس شاید یہ ہے کہ شام کو 6:30 بجے سے رات کو 11:30 بجے تک آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ٹاکسک نیریٹو دینا ہے اور اس سے حکومت چل جائے گی اور حکومت بچ جائے گی اور پھر آپ کو اس کی شاباش ملے گی جب آپ واپس جائیں گے, تو میرا جو اور یہ آپ ایز اے اپوزیشن تو کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے سٹنگ گورنمنٹ آپ یہ نہیں کر سکتے. ایز اے سٹنگ گورنمنٹ آپ کو ڈلیور کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور جو آپ کے نیریٹو میں میں بہت معذرت کے ساتھ گزارش کروں, جو یہ ایلیمنٹ آف بے وقوفی ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی مجھے دیکھتی ہے, میں تو کرپٹ نہیں ہوں, میں تو کام کرتا ہوں, اس لیے مجھے آئی ایس آئی سے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ کو آئی ایس آئی سے کیوں ڈر ہوگا؟ آئی ایس آئی تو آپ کو رپورٹ کرتی ہے, اور اسے ایک دن پہلے آپ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا, اور جس آپ کو لوگ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ تو اس بات پہ مہر لگا رہے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں ایسا ہوں اور آپ ایسے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ یہ جو بہت جھول ہے ان کے نیریٹو میں اور ڈلیوری زیرو ہے, اس کی وجہ سے یہ جو ویسے تو پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جمہوریت کو 2 ایئر اچ ہو جاتا, مطلب 2 سال بعد جو بھی جمہوری حکومت ہو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یا تو فوج آ جائے. ابھی بھی بہت بات ہو رہی ہے میڈیا پہ کہ فوج آ جائے, تاجر کہہ رہے ہیں کہ فوج آ جائے, آج ان کے اپنے منسٹرز کہہ رہے تھے کہ صورتحال کو اس نہج پہ مت لے جائیے کہ ایسے عناصر آ جائیں جو آپ کے مطلب انسان ویسے صحیح کہ نہ آپ کے ہاتھ میں رہے نہ میرے ہاتھ میں رہے. تو فوج کا ڈراوا حکومت بھی دیتی ہے. اب کے میرے خیال ہے جو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے, اور جو میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ بن رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کمزور کہیں جو بھی کہیں 11 جماعتوں کا الحاق ہے, اور بہت اسمارٹلی اپنی بیل واپس لے کر شہباز شریف جیل میں چلے گئے, خود خوشی سے جیل میں گئے, انہوں نے اپنی بیل واپس لی اور انہوں نے لیڈرشپ پکڑائی ہے. بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ پہلے بھی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ آپ لے لیں, بلاول بھٹو نے وہ لیڈرشپ نہیں لی, وہ لیڈرشپ لی گئی ہے مولانا کے پاس, اور مولانا بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیلتے ہیں. آپ کی اپوزیشن اس وقت بھی بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیل رہی ہے, آلٹرنیٹیو زندہ ہیں, اور یہ جو پوری ایک سول سپرمیسی سویلین سپرمیسی کی کہانی ہے, اس میں اتنے بڑے بڑے ہولز ہیں دونوں اطراف سے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بحث بھی کیوں ہو رہی. سو آئی سیریسلی ڈونٹ تھنک سی اینی آف دس ٹیکنگ آف. یہ تو آپ نے ایک طرف سے ایک ڈرامہ ہے اور دوسری طرف سے ایک ڈرامہ ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں بس اس سے اپنی بات ختم کروں گی, جس کا مجھے دکھ ہوتا ہے, جس کا مجھے بے انتہا دکھ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ڈلیور نہیں کر پاتی. ہماری تینوں سیاسی جماعتیں تھیں جو کل ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑیں گی, ان کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے؟ گرمی پڑ جائے فوج آتی ہے, بارش ہو جائے فوج آتی ہے, سیلاب آ جائے فوج آتی ہے, کراچی میں لاشیں گریں فوج آتی ہے. پلیز گیو می اے بریک. آپ کی سیاسی جماعت اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو آرگیو بھی کیا تھا, کہیں پر بھی ملک میں کہیں کسی بھی ملک میں کرائسس ہوتا ہے تو آپ کو فوراً تو طلب کرنا, چاہے امریکہ میں کٹرینا آئے یا کچھ بھی ہو,
आप म्यूट पे चलेंगे डॉक्टर साहब। नहीं नहीं प्लीज, मैं डिजास्टर की बात नहीं करी, शायद मैंने डिजास्टर की मिसालें दे दी। हमारे यहाँ फौज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी काम करती है। हाँ, ये बात सही है। का स्टेटमेंट होता है, जो बाजवा का स्टेटमेंट होता है, उसके जो सियासी कलर्स होते हैं उनको हुकूमत वक्त या ऑपोजिशन वे आउट करती है कि ये हमारे फेवर में जा रहे हैं या हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। ये तो हमारा एक माहौल बना हुआ है, ये माहौल की वजह होती है ना सर। और मेरे और साथ मैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि एक माहौल तो बना हुआ है हमारे अक्सर उलमा कराम जो है वो भी एड्रेस करते हैं, तो वज़ीर आज़म को एड्रेस करके कहते हैं कि जी आप ये मामला फिक्स करें, वो मामला फिक्स करें, फलाने फिक्स वो पट्टी डालें, इस तरह की बातें तो हमारे होती हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, एक वो उम्मीद शहर की बात सर, अगर क्या पॉजिटिव जो आपको नजर आए, क्योंकि हमने कोई ऐसे रामाज समझते हैं कि आज पॉजिटिव है, इसके ऊपर रोशनी डाली। ऊपर से क्योंकि शो के इख्तिताम की तरफ कंक्लूजन की तरफ मैं जा रहा हूँ, आपको खान साहब की कॉल आए या खान साहब के साथ यू हैव यू नो कप ऑफ टी, आप क्या क्या राय देंगे कि किन किन चीज़ों को जो है फिक्स करने की जरूरत है, और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे हमने भी बात कर रहे हैं, तो क्या आप क्या देखेंगे, आपके पास 3 साल रहे हैं, क्या क्या इकदाम आपने लेने? मेरे ख्याल है कि जो कंडीशंस हैं खान साहब के साथ चाय पीने की या उनको एडवाइस देने की, वो जिस तरह डॉक्टर बकाई ने फरमाया वो कंडीशंस बड़ी सख्त हैं। उसके लिए जिस नौयत की कमेडिक परफॉर्मेंस जो है उसकी ज़रूरत है, वो मैं शायद उस पर पूरा ना उतर सकूं, तो शायद ये मौका ना मिले। लेकिन देखिए, एक हमारा एक जमहूरी निज़ाम है, वो फ्लॉड है, उसमें बहुत सारी दरारें हैं, बड़ा वीक है, उसमें ऑनेस्टी का भी फुकदान है, कंटेंट का भी फुकदान है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अ डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ यू नो एंगेजिंग विद योर लीडरशिप, बिकॉज ये सारी बातें जो हैं, कोई भी ऐसी बात इस डिस्कशन में नहीं होगी जो पहले नहीं हुई या जो इसके बाद नहीं होगी। अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स यू नो कंसोलिडेटेड इन सम फॉर्म और अनदर वो लीडरशिप तक पहुँचती भी हैं। आपने गुजारिश की कि एक पॉजिटिव कोई स्पिन जो है इस वक्त मौजूदा हालात की बिना पर मैं पेश करूं, क्योंकि अपेरेंटली ये अब मेरा जो है मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि मैं पॉजिटिव स्पिन हर चीज को दिया करूं। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वेयर दैट विद ग्रेट प्राइड। सो लेट मी ऑफर दिस, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फेलियर है वो शायद सियासी जमातों का या फौज का या पीटीआई या इमरान खान के, नवाज शरीफ या पीएमएल नून का नहीं है, और शायद वो हमारा जो रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, जो टीवी चैनल्स हैं वो भी नहीं है, ना व्हाट्सएप का है, ना टिकटॉक का है, ना रेगुलेटर्स का है, आई वुड गो सो फार इवन हमारी ब्यूरोक्रेसी का नहीं है। लेकिन जिन लोगों को बाय डिफॉल्ट या स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के बारे में सोचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हम शायद सबसे बड़ा जो फेलियर है वो उनका है। उसमें लोग ऐसे भी हैं जो स्टेट के लिए काम करते हैं और ऐसे भी हैं जो स्टेट से बाहर बैठ के, कुछ अंदरून मुल्क बैठ के, कुछ बाहर बैठ। हमारी जिम्मेदारी, हमारी से मुराद मैं समझता हूँ इस ग्रुप में हम सब इसका हिस्सा है कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट द कंट्री एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स फ्यूचर बियॉन्ड द करंट। जिस तरह डॉक्टर नजम ने फरमाया कि जो आज की सुर्खी है, या आई वुड से इवन जो पिछले 2 साल की सुर्खियां हैं, जो आने वाले 3 साल की सुर्खियां हैं, उनसे हट के हाउ डू वी थिंक अबाउट दिस कंट्री। सो द पॉजिटिव आई कैन ऑफर टू यू इज दैट हम सारे उसी एक तरह से हमाम में उतने ही कपड़ों में मौजूद हैं जिस तरह बाकी सारे इदारे, बाकी सारे इंडिविजुअल्स, बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। और अब मैं आपको बैड न्यूज देता हूँ। बैड न्यूज ये है कि बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट दिस, बहुत सारी रियलिटीज जो बदली हैं पाकिस्तान के बारे में, उनसे हम या तो आगाह नहीं है या हम अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते। दो बहुत बड़ी, एक जो हो चुकी है और एक जो हो रही है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, वी लव टू टॉक अबाउट फ्यूडल पाकिस्तान, वेयर एज रियली फ्यूडल पाकिस्तान काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेड एंड डाइड अवे अबाउट 2 decades ago. So what you have today is a feudalization of professional Pakistan. So you see the behavior of lawyers, they've feudalized their, so the
idea of the professional association in Pakistan, young doctors, lawyers, there'll be a day when engineers and accountants are going to adopt the same behaviors, guaranteed, because your social mores have been constructed in a certain way. So the bad news is that your professional associations, your urban centers, your formal Western institutions are going to resemble more and more what you and I like to refer to as feudal, which actually, because of landholding fragmentation, the rise of the middle class, petrodollar influx, a whole host of other industrialization, technology, all of those things, that kind of feudalism doesn't exist. Ye ho gaya hai, lekin abhi bhi baat hum aise karte hain ki ye koi aane wali cheez hai, but this already happened, it happened 2 decades ago. The other big thing that's happened is a massive rightward shift in the political, jisko Urdu mein hum kehte hain, hamari jo kaifiyat ya hamara jo mizaj hai, wo massively rightward shift hua hai. और ये बड़ी तेजी से हुआ है. आई वुड से कि इसको आप फेसबुक की बर्थ और पिछले 15 साल से लगभग, अगेन इस पर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, लेकिन लगभग पिछले 15 साल में बड़ी तेजी से हुआ है. तो जब टिकटॉक बैन होता है तो मेरे जैसे लोगों को सिर्फ जो है इसमें साजिश नजर आती है. टिकटॉक इसलिए बैन हुआ है क्योंकि हुकूमत से जो है नहीं हैंडल होता क्रिटिसिज्म. लेकिन टिकटॉक जो है वो इसलिए भी बैन हो रहा है क्योंकि इस मुल्क में एक कल्चरल वॉर शुरू हो चुकी है और एक क्लास वॉर शुरू हो चुकी है. और हम अभी तक टीएलपी को देखते हैं तो हम कहते हैं ये भी फौज ने कराया, किसी जर्नैल की वजह से हुआ है. हम टिकटॉक देखते हैं, हम ये भी कहते हैं ये भी फौज ने कराया, किसी जर्नैल की वजह से हुआ है. यानी कि बेसिकली हमारी वैसे तो इतनी इनकॉम्पिटेंट आर्मी है कि हम हर वक्त उसके ऊपर जो है तानेबाजी कर रहे होते हैं. लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंजीनियरिंग, तो सारी की सारी चीजें जो फौज करा रही है, ये ऐसे मुमकिन नहीं है. सो अ लॉट ऑफ द थिंग्स जिनको हम देख के कहते हैं कि ये इस वजह से हुआ है, ये इस वजह से हुआ है, ये एक्चुअली इनमें से किसी चीज की वजह से नहीं हो. ये एक नॉर्मल एवोल्यूशन है सोसाइटी की. जो जो घंटा है खतरे का जो बजना चाहिए और जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, वो ये कि अगर हमें अमेरिका देख के, बर्तानिया देख के, हिंदुस्तान देख के, ब्राजील देख के, फिलीपींस और ऑस्ट्रिया देख के या हंगरी देख के, हमें ये अकल नहीं आती कि जब राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं डिस्कोर्सेस के तो आगे फिर क्या होता है. और अगर हम अपने जो मफरूजे हैं या अपनी जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसकी वजह से मिस क्लासिफाई करते हैं, गलत क्लासिफिकेशन देते हैं. इमरान खान को तालिबान खान कह के जो हर तरह से इट्स इनएक्यूरेट एंड इट्स डिसऑनेस्ट बिकॉज ही इज नॉट तालिबान खान, बट देर इज ए तालिबान खान इन पाकिस्तान. वी डोंट नो हिज नेम. ए राइटवर्ड शिफ्ट इन आवर पोलिटिकल डिस्कोर्स दैट कंसोलिडेट्स एथनिक एंड पोलिटिकल डिफरेंसेज across the provinces is a real possibility. जो मांग रहे थे, मैं आपको उसका जवाब एक तरह से pessimism में दे रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि you ain't seen nothing yet. अगर आपको TikTok ban बुरा लग रहा है और जिस तरह से बात की जा रही है रेप के बारे में वो बुरा लग रहा है और जिन वजूहात की बिना पर CCPO लाहौर को लगाया जाता है वो बुरा लग रहा है, तो आपने अभी कुछ देखा ही नहीं. बिकॉज ये जो क्लास वॉरफेयर है इसकी आपको रिप्रेजेंटेशन इन डिस्कशन में नहीं मिल रही. ये अभी भी एक क्लोज्ड सर्कल और क्लोज्ड लूप में हम एक एको चेंबर में बात कर रहे हैं, चाहे नया दौर के अंदर हो, चाहे टेलीविजन चैनल्स पे हो, चाहे कॉलम के थ्रू हो, इवन आई वुड से थ्रू ट्विटर. और एक जो दिलचस्प चीज है टिकटॉक बैन की वो ये कि टिकटॉक जो बैन हुआ है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं. जिसको आप भाषी कह रहे हैं वो तो सिर्फ एक उसका अंसर है, और क्योंकि मेल डोमिनेटेड कंजर्वेटिव जो है पुशबैक है तो वो बैन हो गया. लेकिन उसके लेयर्स में आप जाके देखें तो जो ट्विटर और फेसबुक और नया दौर और मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे आवाजें नहीं मिलती वो आपको वहां मिलती हैं. और वो बहुत नेशनलिस्टिक हैं, बहुत शोविनिस्टिक हैं, बहुत राइट विंग हैं, बहुत मिसोजिनिस्टिक हैं, और मुकम्मल तौर पे नॉर्मलाइज्ड और नॉर्मल हिस्सा है इस मईशत का. सेक्टेरियन भी है, अगर इफ आई वुड ऐड सेक्टेरियन भी है बहुत सारा. सॉरी मैं इसमें कह रहा हूं उसके अंदर सेक्टेरियन एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है. बिल्कुल है, और वो बढ़ता रहेगा बिकॉज अगेन आपका टीका जो है वो करप्शन या सिलेक्टेड है.
بیماری جو ہے وہ تو کوئی اور ہے, بیماری تو شیعہ سنی ایک دوسرے کے یو نو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو نیگیٹو نیریٹو ہیں وہ جتنی جس تیزی سے آپ کی طرح جو ہے وہ اسپریڈ ہوتے ہیں, آپ کے پاس اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ کوئی ایجنسی کسی کو فون کرے گی کہ یہ ٹکر نہ چلے, تو ٹھیک ہے وہ ٹکر تو نہیں چلے گا, لیکن یور سوسائٹی از ٹکر پروف اینڈ اٹس ٹک ٹاک بین پروف از ویل. یہ تسلسل سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں یہ چلتی رہیں گی. اف یو ریئلی وانٹ ٹو ٹیکل دیم یو ہیو ٹو گرو بیونڈ وٹ وی ہیو آل بیکم ویری کمفرٹیبل ود. ڈاکٹر عادل نجم, بالکل کنکلوژن کی طرف آخری کلمات, لیکن جو مشرف زیدی صاحب نے جو بات کی نا, یہ بڑی مطلب میرا دل چاہ رہا ہے اس کو میں ریپیٹ کر کے واپس کروں, کیونکہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں اور اس کے اوپر ایک وہ جو ہے صرف اسی کے اوپر ہونا چاہیے, اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے جو معاشرہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں اس معاشرے کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب ہم چھوٹے تھے لیٹ 90s میں ارلی 2000 کے گٹار لے کے ہم گھوما کرتے تھے اور سب چیزیں, لیکن پھر ہم نے دیکھا ایک سیکٹیرین ویو, ایک نفرت, ایک پولرائزیشن, اور وہ شاید کم نہیں ہوئی ہے, وہ بڑھے چلی جاتی ہے. یار میرے خیال میں مشرف نے جو بات کی ہے بڑی سوچنے والی ہے, اور یہ جو ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کا مسئلہ ہے یہ آئی ہیو بین رائٹنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کئی سالوں سے, یہ آج کا مسئلہ نہیں, لیکن آج جس طرح یہ ابل آیا ہے وہ میرے خیال میں بہت خوفناک سی چیز ہے, مشرف نے اس کی بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. لیکن ایک بات میں ساتھ یہ کہتا ہوں, جب آپ گٹار لے کے پھرتے تھے نا, معاشرہ تب بھی تقریباً ایسا تھا, صرف یہ تھا کہ جو دوسرا غصہ کھاتے تھے ان کے پاس کچھ اور حربے نہیں تھے, تو وہ اندر اندر غصہ کھاتے. یہ ہمارے ندیم پراچا جو بات کرتے ہیں نا کہ جی ایک زمانے میں پاکستان بڑا ماڈرن تھا, جن زمانے میں ماڈرن تھا تب بھی یہی والی فورسز تھیں, ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں, یہ صرف بھٹو صاحب کے آنے سے نہیں یا ضیاء صاحب کے آنے سے نہیں ہوئی. سو یہ ایک لاوا ہے جو ابل رہا ہے. ایک اگر کوئی مثبت دیکھنا ہی ہے تو آئی ووڈ سے کہ پارٹلی جو ساری باتیں مشرف نے کی, جو آپ نے کی, وہ اس لیے بھی نظر آ رہی ہیں کہ اب ایک کاؤنٹر فورس ہے, یہ وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ اب ان کو they are also threatened. یہ ہم نے سی سی پی او والے مسئلے میں اور ریپ اور زیادتی کے مسئلوں میں جو دیکھا کہ ایک فورس ایسی آ گئی ہے آئی تھنک کہ جو آن دی ادر سائڈ, اس کو آپ لیفٹ کہہ لیں, حالانکہ میں خیال میں لیفٹ نہیں ہے, اس کو آپ پروگریسو کہہ لیں یا جو بھی مرضی کہہ لیں, تو جب ان کو ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جو ریگریسو فورسز ہیں وہ کہتی ہیں اچھا پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنے تگڑے ہیں اندر سے, تو یہ ملک ہمارا ہے. اور وہ جو تناؤ ہے وہ ایک طرف سے خوفناک ہے, دوسری طرف سے اس کو ڈیل کرنا نیسسری ہے. ڈیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کو چھتر لاؤ یا دوسرے کو چھتر لاؤ, سم ہاؤ وہ سوسائٹل کانورسیشن ہونی ہے. جو آپ نے کہا کہ جی اگر عمران صاحب کے ساتھ آپ کی ہو جائے گفتگو, وہ تو میرا بھی وہی والا جواب ہے تقریباً جو مشرف کا, لیکن اگر ہو ہی جائے تو پہلے میں ان سے کہوں گا کہ جی ہما بقائی کی بات سن لیں, اور آپ پہلا کام یہ کریں کہ 6 بجے سے 11 بجے تک بین لگا دیں اپنے کسی بندے کا ٹی وی پہ, آپ لوگوں کی روزی ختم ہو جائے گی. لیکن آئی ٹیل یو, ایک طرف کے مسخرے جائیں گے تو دوسری طرف کے مسخرے بھی چلے جائیں گے. پہلے تو پھونک نکالو نا, بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے, نہیں ہوتا یار ایسا, نہیں ریلی کام کب کرتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتا. سارے دن اگر آپ یہ بک کرتے ہیں تو آپ, یہ میں ابھی کی بات نہیں, یہ پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی تب بھی میں یہ ٹویٹ کرتا تھا کہ یار آپ لوگ کام کب کرتے ہیں, آئی مین واٹ آر دی آورز ان وچ یو آر ورکنگ, کیونکہ سارے وقت تو آپ لوگ یہ والا کام کر رہے ہیں. سو پہلا کام تو میں ان سے یہ کہوں گا. دوسرا میں ان سے کہوں گا کہ یار یہ یاد رکھ لیں کہ آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہے, یہ دھرنا نہیں ہے, باقیوں کو بھی بلا لیں. فرینکلی اگر مجھے اجازت ملے اور دوسروں سے بات کرنے کی, میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ یار آپ لوگوں کو مل کے بیٹھنا ہے, اس لیے نہیں کہ آپ سارے ایک بار پہ یقین کر لیں, لیکن اگر جو اس تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں, اسٹیبلٹی کی نہیں کر رہا, کہ اگر یہ یقین کر لیں کہ ایک کی باری کے بعد دوسرے کی آئے گی, آئی اسٹل ڈو ناٹ نو, میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ پالیسی میں تین پارٹیوں میں کیا فرق ہے. شخصیت میں مجھے پتا, مجھے ذرا بتا دیں کس کی فورن پالیسی کس سے کس طرح فرق ہے, اکنامک پالیسی کس سے کس طرح. اگر آخری مجھے 1.5 منٹ صرف لگے گا, لیکن آپ کیونکہ اجازت دیں, عمران صاحب شاعری واری تو نہیں سنتے زیادہ, لیکن ان سے میں کہوں گا کہ فیض صاحب کی ایک نظم ہے, اس پہ تھوڑا سا غور کر کہ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے. اور اگر مجھے اجازت دیں صرف 1.5 منٹ لگے گا, نظم یہ ہے کہ جب دکھ کی ندیا میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی, یہ میرے خیال میں انہوں نے بھٹے صاحب کے بارے میں لکھی تھی, لیکن لگتا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں, جب دکھ کی ندیا میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی, تھا کتنا کسبل باہوں میں
لہو میں کتنی لالی تھی، یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگے۔ ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا، ہر دارے دھارے میں کچھ اندھیکھی منجھاریں تھیں، جو عمران صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہوا، ہر دارے دھارے میں کچھ اندھیکھی منجھاریں تھیں، کچھ مانجھی تھے انجان بہت، پی ٹی آئی گورنمنٹ، پی ایم ایل گورنمنٹ، پی پی گورنمنٹ، کچھ مانجھی تھے انجان بہت، کچھ بے پرکھی پتواریں تھیں۔ اب جو بھی چاہو چھان کرو، اب جتنے چاہو دوش دھرو، ندیا تو وہی ہے ناؤ وہی، ندیا تو وہی ہے ناؤ وہی، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے پار اترنا ہے۔ جب اپنی چھاتی پر ہم نے اس دیش کے گھاؤ دیکھے تھے، تم ویدوں پر تھا ویدوں پر وشواس بہت، یہ جو ایکسپرٹس ہیں میرے جیسے، تھا ویدوں پر وشواس بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے، یوں لگتا تھا بس کچھ دن میں ساری بپتا کٹ جائے گی، سب اور سب گھاؤ بھر جائیں گے۔ ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا کہ روگ اپنے کچھ اتنے ڈھیر پرانے تھے، وید ان کی ٹو کو پا نہ سکے، مشرف، وید ان کی ٹو کو پا نہ سکے اور ٹوٹ کے سب بیکار گئے۔ اب جو بھی چاہو چھان کرو، اب جتنے چاہو دوش دھرو، چھاتی تو وہی ہے کھاؤ بھی، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، یہ گھاؤ کیسے بھرنا ہے۔ دیٹ از دا کوسچن فار ایوری پولیٹیکل ایکٹر ان پاکستان۔ ویری گڈ، ویری بیوٹیفل، ویری گڈ ڈاکٹر صاحب، بریلینٹ۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کا ایک مشورہ تو ڈاکٹر عادل نجم نے انڈورس کر دیا کہ کیا کرنا چاہیے اگر خان صاحب سے ملیں، تو وہ تو انہوں نے بتا دیا، اس کے علاوہ آپ کو مشورہ دینا چاہیں؟ آپ میوٹ پہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ پر ہیں۔ ابھی بھی ابھی بھی میوٹ پر ہیں آپ، ڈاکٹر صاحب آپ ایک وقت کلک کریں۔ بس میں ایک بات کہنا چاہوں گی، میں اتنی نظم شاعری بھی نہیں آتی اور مشرف جتنی فلسفیکل بات بھی نہیں کر سکتی، لیکن ایک شفٹ ضرور آیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ شفٹ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی شور مچا لیں عورت مارچ ہوتی ہے، اور دوسرا شفٹ یہ ہے کہ اب اور اب جب بچی ریپ ہوتی ہے نا، تو باپ اسے کنویں میں دھکا نہیں دیتا، وہ ایف آئی آر کٹوانے تھانے جانا چاہتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ڈھول بجا کے نواز شریف کو تو واپس لانا چاہ رہے ہیں، اور چسپا بھی کروا رہے ہیں ادھر ادھر آپ نوٹسز۔ وہ عامر جو موٹر وے پہ ایک عورت کو ریپ کر کے اس ملک میں بھاگ گیا، وہ تو آج تک نہیں پکڑا گیا۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر مصباح اعظم۔ ہاں بس جو عادل نجم صاحب نے، اگر لنچ یا کوئی ٹی کپ آف ٹی ہو جائے خان صاحب کے ساتھ، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ارے سر ہم کس اس میں ہیں، ہم کس ہماری کیا حیثیت، ہم کیا ان سے ان کو بتائیں گے۔ لیکن ایک چیز جو عادل نجم صاحب نے جو ایک بڑی اچھی نظم پڑھ کے سنائی، اور اس کے اندر جو وید کا جو ہے، اور انہوں نے مثال دی ہمارے جیسے، سر یہی تو ہماری ہمیشہ سے دعا تھی کہ آپ تینوں جیسے اگر ایڈوائزر ان کے ہوتے یا کسی بھی گورنمنٹ کے ہوتے تو ہم یہ ملک کا حشر نہ دیکھ رہے ہوتے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر مصباح اعظم، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے جو فیورٹ ڈاکٹر محید یوسف، یو آلویز وانٹڈ ڈاکٹر محید یوسف ٹو بی دی ایڈوائزر، تو وہ ہے نظم کا ہاتھ سے بھی یہ ہے کہ ٹوٹ کے سب بیکار رہے، مطلب یہ کہ یہ ملک ٹوٹکوں سے نہیں چلے گا۔ آئی تھنک ایڈوائزرز کی ایڈوائز بالکل صحیح ہے، مسئلہ ایڈوائز کا نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو جواب نہیں پتا تھا، کیونکہ ہر جواب جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کوشش کر چکا ہے۔ ہاں لیکن یہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ ایڈوائز اگر صحیح ہو تو وہ یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ جو فورن پالیسی میں تھوڑی بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، میں تو انہیں ایٹریبیوٹ کرتا ہوں، سوری ٹو سے آئی ہیو اے بائس، مگر محید یوسف سے، کہ ان کی ایڈوائز مجھے لگتا ہے ہیلپ کر رہی ہے، تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن کر رہی ہے۔ کہ کیونکہ ایڈوائزر صرف یہ نہیں کہتا کہ کیا صحیح ہے، ایڈوائزر یہ جیسا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے صحیح کیا ہے،
लेकिन उनको उनको एडवाइस किया जाए कि वो कैसे करें इंप्लीमेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मैं और आप इंजीनियर इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम के एक होती है थ्योरी एक होता है उसको इम्प्लीमेंट करना तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा जरूरी है और उसके लिए बहुत सही एडवाइजर की जरूरत होती है। चल मैं बिल्कुल शुरू का इख्तिताम की तरफ डॉक्टर आदिल नजम डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा डॉक्टर मिसबाह आजम मुशर्रफ जैदी साहब सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं सब जो ऑडियंस इतने सारे सवाल आए कि मैं ले नहीं सकता था सारे सवाल इतना पॉसिबल नहीं था मैंने सवाल नोट कर लिए हैं मैं फिर से जाके अगर किसी का मिस किया अगले आने वाले दिनों में कभी ये पैनल हुआ तो मैं वो सवाल आप सबके जो है कंसोलिडेट करके जरूर सामने रखूंगा मुझे और सब ऑडियंस को सबको इजाजत मुझे इजाजत दीजिए अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे खुदा बहुत शुक्रिया clock running.